वही उत्तराखंड की धामी सरकार को शनिवार को 2 साल पूरे हो गए। सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बीते 2 वर्षों में सरकार की बड़ी उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड वह पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ है और पूरे देश में नजीर पेश की। सरकार के आज 2 साल पूर्ण हुए हैं और इन 2 वर्षों में 48 गारंटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार ने जो है जनमानस को दिए थे उसको पूर्ण करने का काम किया है। हमने पूरे देश के लिए नज़ीर प्रस्तुत हो सके और हम ऐसा कानून उत्तराखंड में निर्माण हुआ है, यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण कानून यानी कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जनता को समर्पित हुआ है। नकल युवाओं के लिए नकल रोधी कानून जनता को समर्पित हुआ है और युवाओं के लिए ही 4% का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन उनको समर्पित हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% का आरक्षण उनको समर्पित हुआ है। मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण उनको समर्पित हुआ है। हमने इन्वेस्टर समिट होते हुए देखा है, हमने यहाँ पर G20 होते हुए देखा है। तो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य मात्र इस छोटे से 2 साल के कार्यकाल में जो है हम उपलब्धियों के रूप में जो है जो जनता से वादे किए, जो जनता के बीच में रहते हुए संवाद करते हुए जो जनता से भावनाएं आए उसको हमने पूर्ण करने का काम किया है। तो ये 2 साल जो है पूरी तरीके से बेमिसाल रहे।